सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आपकी एक गलती और आपको आ गया 19 लाख का नोटिस। और हाँ जी, इस बात को समझना, ये गलती है भी बहुत छोटी सी। सर क्या गलती है जरा इस बात को समझना। आप सब लोगों को पता है कि भैया अगर हमारा कोई ITC क्लेम करने से छूट जाता है तो हम अगले साल उस ITC को क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 39(9), ठीक है ना, एज पर सेक्शन 16(4). तो भैया हुआ क्या इस वाले केस में, 17-18 का ITC था, क्लाइंट ने 17-18 में क्लेम नहीं करा, उसे 18-19 में क्लेम कर लिया। तो क्या क्लाइंट ने कुछ गलत करा? आंसर इज नो, क्लाइंट ने कुछ भी गलत नहीं करा। लेकिन जब क्लाइंट 17-18 की GSTR 9 भर रहा था, जब क्लाइंट 17-18 की GSTR 9 भर रहा था, तो ये वाली फिगर कौन सी टेबल में जानी चाहिए थी? सर ये वाली फिगर जानी चाहिए थी टेबल 8C में और टेबल 13 में। अगर ये GSTR 9 में चली जाती तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब हुआ क्या, ठीक है ना, क्लाइंट ने ITC क्लेम कर लिया लेकिन GSTR 9 में टेबल 13 में शो नहीं करा। तो अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्या वो ITC असेसी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भैया मेरे हिसाब से तो वो असेसी को मिलना चाहिए। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जब भैया आप GSTR 9 के बारे में पढ़ोगे तो भैया जो GSTR 9 है हमारा, क्या है वो? कंपाइलेशन है सारी रिटर्नों का। अब उसकी जो टेबल नंबर 13 है, पहली बात वो ऑप्शनल टेबल है। तो अगर मैं कोई ऑप्शनल टेबल को नहीं भरता हूँ तो क्या आप मेरा ITC मना कर दोगे? यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ने 18 लाख रुपए का ITC मना करा है वो इसी ग्राउंड पे करा है। देखो क्या कहता है डिपार्टमेंट, द क्लेम ऑफ ITC ऑफ 17-18 कैरी फॉरवर्ड इन 18-19 वाज वेरीफाइड फ्रॉम टेबल नंबर 13, कि हमने उस ITC को टेबल नंबर 13 से वेरीफाई करा। और कौन सी टेबल से? फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। अरे भाई आप 18-19 की टेबल नंबर 13 थोड़ी चेक करोगे, आप तो 17-18 का अगर ITC है वो 18-19 में क्लेम करा है, वो कौन सी GSTR 9 में आएगा, 17-18 की में या 18-19 की में? बताओ मुझे फटाफट से। भैया वो तो 17-18 की GSTR 9 में आएगा ना, तो आप तो गलत वेरीफाई कर रहे हो। और क्या लिखा है, बट टेबल 13 शो नील वैल्यू और टेबल 13 में नील वैल्यू है। जब आप गलत टेबल को चेक करोगे तो उसमें नील वैल्यू आएगी। तो देयर फॉर द सबमिशन ऑफ टैक्स पेयर इज अनसेटिस्फैक्ट्री, टेबल 13 इज रिप्रोड्यूस एज बिलो। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया आपने हमारे को प्रॉपर चीजें नहीं दी, टेबल 13 में ITC को नहीं दिखाया, तो हम आपका ITC नहीं देंगे। अब बताओ ये बात डिपार्टमेंट की गलत है या सही है? मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात, आप गलत GSTR 9 चेक कर रहे हो, आपको 17-18 की GSTR 9 चेक करनी चाहिए। दूसरी बात, टेबल 13 ऑप्शनल टेबल है, टेबल 13 ऑप्शनल टेबल है, तो आप उसे मैंडेटरी नहीं कर सकते। और मान लो अगर मैंने उसे GSTR 9 में नहीं भी दिखाया तो क्या सेक्शन 39(9) या सेक्शन 16(4) को ओवर रूल करेगा GSTR 9? एज पर माई व्यू नो, आपको इसका ITC मिल जाना चाहिए, ऑफिसर को इसका ITC अलाउ कर देना चाहिए। अब भैया इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस नोटिस से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भैया छोटी छोटी गलती भी हमारे को नहीं करनी। अगर वहाँ पर टेबल 8C और 13 में हमें ITC दिखाना है तो वो हमें दिखा देना चाहिए। तो भैया आप जो अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चाहे 3B1, GSTR 9, कुछ भी चीज़ें अगर आप फाइल कर रहे हैं, ध्यान से करें। अगर आपको वो सारी चीज़ें पूरी अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारा GST का अर्जुन बैच ले सकते हैं। अर्जुन बैच के अंदर हमारी 70-80% रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब आप उसे घर पर बैठकर देख सकते हैं, ऐप में उसकी सारी रिकॉर्डिंग है, आप आराम से अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लो। सर आपकी वीडियो बड़ी कम आ रही है, आपको पता है मैं 6 और 7 दिसंबर जो हमारा CA का इलेक्शन है, ठीक है, मैं उसमें अभी बिजी हूँ, तो इस वजह से मेरे को समय थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में भी थोड़ी वीडियो कम आए, तो इससे टेंशन मत लेना, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।